मैं वहां बैठ के रो रही हूँ, और मैं भैया उस चौराहे पे बैठ के मैं ये बोल रही हूँ, बाबा जी प्लीज आ जाओ, कैसे भी करके कुछ करो कुछ करो, पर कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। हम होटल वाले रूम में गए, वहां जाके मेरे हस्बैंड और मैं इतना रोए, बहुत रोए, वहां बैठे हुए मेरे मदर इन लॉ और मेरे पेरेंट्स इतना डर गए कि कहीं ये बच्चे दोनों इतना डिप्रेस होके कुछ गलत स्टेप ना उठा ले। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल रहे हैं और इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल, आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम डॉक्टर रुचि उराना है, मैं हिसार से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा से। और मेरी जो पहले अपब्रिंगिंग हुई है वो यमुनानगर से हुई है। बहुत अच्छा लगा जानकर, बहुत बहुत स्वागत है, हम बहुत उत्सुक है बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। और जैसे आपको पता है कि बालाजी महाराज से जुड़ा सेशन है, तो दूसरा सवाल उन्हीं से जुड़ा है कि ये बताइए कि आपने जीवन में सबसे पहले कब उनकी पूजा पाठ शुरू की, जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर आपने उनकी भक्ति शुरू की, और कौन से पाठ वगैरह करते थे उनकी भक्ति में, आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। एक्चुअली भैया मेरे घर में पूजा पाठ का माहौल तो बचपन से ही था, बट मेरी कनेक्टिविटी बाबा जी से, बजरंग बली से नहीं थी। मैं ज्यादा माता रानी को मानती थी बचपन से ही, मुझे उनकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा थी, और बचपन से ही मेरे पूजा पाठ स्टार्ट हो गया था। 6th क्लास से ही मैं पूरे नवरात्रे रखती थी, और माता रानी का इतनी कृपा रही है कि कुछ भी होने से पहले वो मुझे संकेत दे देती थी, अब तक भी। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं बाबा जी तक कैसे पहुंची, ये भी मेरी माता रानी ने ही मुझे पहुंचाया है। ये कैसे पहुंचाया है, जैसे कुछ हमारे इस टाइम पे क्या था, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक हो गई थी हमारे घर में, तो मैं सोची थी कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए। रोज पूजा करती थी माता रानी की कि क्या करूं मैं, आपकी इतनी पूजा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और क्या करूं मैं। तो मेरे सपने में हनुमान जी दिखाई देते थे, बाल रूप में ही दिखाई देते थे, बंदर के रूप में, और वो मुझे माता कहते थे। मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे माता कहते थे, तो और वो मुझे हाथ पकड़ के एक माता रानी के पास लेके जाते थे कि ये मेरी माता आ गई है, अब मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह से 3-4 बार वो मेरे सपने में आए हैं, तो मुझे तब तक कोई कनेक्टिविटी फील नहीं हुई कि बाय चांस ऐसे ही हो रहा होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि इसका क्या इशारा है, कि माता रानी मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये 3-4 बार मेरे साथ ये सपने में हुआ ऐसा कि बाबा जी मेरे घर आते, बाल स्वरूप में ही आते हैं, और हमेशा वो मुझे माता जी कहते हैं, सपने में आएंगे मुझे माता जी कहेंगे। और मैं सोचती थी क्या करूं, क्या कैसे कहूं कराऊं। तो एक बार क्या हुआ, जैसे हम पूजा तो मैं करती ही थी हर चीज की, तो ऐसे किसी के चैनल के थ्रू पता लगा था कि अगर बहुत ज्यादा संकट है जीवन में तो आप 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, और रोज 11 दिन तक पढ़नी। मैंने वो स्टार्ट कर दिया, मुझे ये नहीं पता था कि कैसे कोई संकल्प भी लिया जाता है या कुछ किया जाता है। मैंने स्टार्ट कर दिया उस चीज से उभरने के लिए, बट उस टाइम पे उसका कोई मतलब फल नहीं मिला मुझे, क्योंकि मैं उस टाइम पे ये सोच रही थी कि मैं इससे ओवरकम कैसे करूं, इस सिचुएशन से, चाहे पता नहीं वो, चाहे मैंने उसे अच्छी तरह किया नहीं उस दिन 11 दिन, क्या था वो बाबा जी ही जाने। बट उस टाइम से मतलब थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी हो गई, कनेक्टिविटी थोड़ी बहुत, बट ये था कि भैया मेरे जो फादर इन लॉ है, इन लॉज का घर है, वो कनेक्ट है हनुमान जी से, वो सलासर धाम जाते हैं, वहाँ समावनी भी लगाते हैं, और वहां से मेरे 2-3 बार जाना हुआ है। तो एक्चुअली मैं तब से, फिर क्या हुआ, मेरे भाई ने रखा था एक बार वर्क, उसको जॉब मिल गई, तो उसने कहा यार तुम इतने टाइम से फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रही है, जॉब का कर रही है, तो एक बार बाबा जी का ध्यान था। मैंने भैया क्या किया, इग्नोर कर दिया कि मैं माता रानी को पूछती हूँ, तो मैंने इग्नोर कर दिया। बट फिर क्या हुआ भैया कि आपका चैनल हुआ, पॉपअप हुआ इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा आपके जब भक्तों के व्यूज मैंने देखे, उनका एक्सपीरियंस जब देखा, तो
तो भैया मैं लिटरली रो रही हूँ, सुन के मैं लिटरली रो रही हूँ कि भगवान बाबा जी मुझे हमेशा सपने में संकेत दिए कि तू मेरी शरण में आ, मैं तेरा निवारण करूंगा तू मेरी, पर मैं उस टाइम पे वो चीज समझ ही नहीं पाई कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैंने आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया कि कैसे क्या करते हैं पूजा करते हैं, तो उस टाइम पे मैंने संकल्प स्टार्ट किया कि ऐसे संकल्प लेते हैं। तो तब से मेरी कनेक्टिविटी इतनी हो गई है भैया कि मैं सुबह शाम उठते समय जय श्री राम बालाजी हनुमान ये बोलती ही बोलती हूँ। बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी हो गई है कि मैं तो, अब कोई मुझे ये बोलता है कि ऐसी सिचुएशन है, मैंने कहा आप हनुमान जी की शरण में जाओ, आपका पार लगना ही लगना है चाहे जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बट इस टाइम में ये कहूंगी भैया कि अकेले बालाजी नहीं थे, माता रानी भी और शिव शंभु मेरे साथ है, उनका तीनों का आशीर्वाद इस टाइम ऐसा है कि जो मैं मांगती हूँ वो मुझे मिल जाता है जिस टाइम पे भी मैं मांगूंगी। प्रभु की विशेष कृपा कह सकते हैं। देखो वैसे भी महादेव की ही तो वे अवतार हैं, वे भी भोले हैं, उनके बहुत ही दयालु हैं, दया के सागर हैं। अगर आप माता जी की पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, तो अगर आपने उनकी छवि अगर देखी हो तो माता रानी के आगे हनुमान जी होते हैं और पीछे भैरव बाबा होते हैं। आप लकी हो, भले आपने माता रानी की भक्ति की, भोलेनाथ की भक्ति की, अब आपको वो भी सौभाग्य मिला कि आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, आप सबकी भक्ति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माता रानी ने आपको प्रेरणा दी हनुमान जी की भक्ति करने के लिए। कई बार भोलेनाथ जी हमें क्योंकि कलयुग के साक्षात जागृत देव हैं हनुमान जी, तो कहीं ना कहीं हमें बाकी देवी देवता भी प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये अद्भुत आपने अपनी जो जर्नी बताई बहन की, बचपन से ही पूजा पाठ वाला माहौल था और कैसे आपको प्रेरणा मिली हनुमान जी की, कैसे संकेत मिले, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। और अब हम उत्सुक हैं कि चलो प्रभु की शरण में तो गए, ठीक है, तो क्या क्या अनुभव आपके जीवन में ऐसे घटित हुए हैं जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या और कोई संकेत मिले हो, या उनकी ऊर्जा, या जो भी आपके अनुभव है, आप वन बाय वन डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। भैया क्या था, पूजा तो मैं शुरू से ही करती थी, माता रानी को मानती थी जैसे मैंने बताया, बट उस टाइम पे क्या हुआ भैया, मेरे को सब कुछ था, बहुत सब कुछ था, माता रानी की कृपा से मुझे बहुत सब कुछ मिला जो मैं चाहती थी, बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ पलट गया। सब कुछ, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब हो गई थी हमारे घर की, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे घर में, तो मैं उस चीज से निकलना चाहती थी। और भैया ये कम से कम 5-6 साल चला मेरे साथ, 5-6 साल, बट ये था कि भैया ये सब सिचुएशन चल रही थी कि माता रानी का इतना प्रभाव था कि मैं टूटी नहीं, मुझे इतना भरोसा था कभी ना कभी माता रानी मेरे पे भी कृपा करेगी, मुझे भी आगे बढ़ाएंगी, मेरा नैया पार लगाएंगी, मेरा जो आत्मविश्वास था वो टूटने नहीं दिया जैसे मर्जी। मुझे इतना विश्वास था अपनी भक्ति के माता रानी मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकती कि ऐसा छोड़ के चली जाएंगी मुझे। तो फाइनेंशियल कंडीशन भैया बहुत खराब चल रही थी मेरे घर की, और मेरे हस्बैंड की भी जॉब चली गई थी उस दौरान, और कोरोना टाइम में तो आपको पता है कि मतलब जॉब जाने के बाद कैसी कंडीशन हो जाती है। कुछ महीने मेरे घर वालों ने भी साथ दिया, फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने भी गिव अप कर दिया। तो फिर मतलब साइकोलॉजिकल हम इतने प्रेशर में आ गए थे कि बेटे की भी खर्चा है, घर का भी खर्चा है, कैसे करें सब कुछ। तो एकदम ही अचानक एक दिन क्या हुआ कि ये सलासर बालाजी को तो मानते ही हैं, पूछते ही, मेरे हस्बैंड पहले से ही पूछते थे, उन्हें मानते थे, तो मैंने उनको कहा कि ये सब चल रहा है, आप हनुमान जी को मानते हो, आप उनकी पूजा करिए, व्रत करिए। दिल से आया कि भैया एकदम से मैं बोल दूं, तो मैंने कहा वो कहते ठीक है, मैंने उनका व्रत रखवाना स्टार्ट कर दिया मंगलवार का। वो रखते थे, चाहे वो मन से नहीं रखते थे बट भैया वो रखते थे, एक साल वो उनका हो गया रखते हुए। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं मैंने उन्हें हमेशा ये बोलती थी कि बाबा जी सुनेंगे, माता रानी सुनेंगे, आप चिंता ना करो, कभी ना कभी हमारे टाइम भी आएगा, चिंता ना करो। ये तो एक साल निकल गया, एक साल के बाद भी ज्यों की त्यों कंडीशन हुई, सब कुछ हुई। एक दिन लास्ट ये 2022 में लास्ट एंड में क्या हुआ, जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो हमारे मेरे हस्बैंड के ऊपर लोन वगैरह काफी कुछ चल रहा था, बहुत चल रहा था। तो उस टाइम पे भैया आप विश्वास नहीं करोगे कि एक साल बाद 3 महीने के अंदर जितना लोन जितना कर्ज था वो सब उतर गया अपना आप 3 महीने के अंदर। क्या बात। और जब इन्होंने मुझे बताया कि मेरा लोन उतर गया, ये खुश हुए बहुत ज्यादा। उससे अगले दिन ये हरिद्वार गए बाबा जी के दर्शन करने, भोलेनाथ जी के दर्शन करने। इन्होंने मुझे बताया कि मेरा ना सबसे बड़ी सिरदर्दी थी वो उतर गई। तो मैंने मेरा वर्ड सबसे पहले ये निकला था, बाबा जी ने सुन लिया आपकी,
3 महीने के अंदर कैसे किया बाबा जी को बताओ, पर उन्होंने सारा कुछ समाप्त कर दिया, जितना भी कर्जा था, फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पे हमारी कुछ थोड़ी बहुत ठीक होने लगी। फिर क्या हुआ भैया कि अब ये तो ठीक हो गया, कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ भैया, मेरी जॉब नहीं लग रही थी, काफी ट्रेन से ट्राई करी थी, मैंने PhD कर रखी है, तो आपको पता ही है कि इतनी हाई क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी कोई बंदा घर पे बैठता है तो सारी तरफ से प्रेशर आता है कि तुमने इतनी हाई एजुकेशन ले रखी है, स्टिल यू आर सिटिंग इन योर हाउस। तो मुझे डिमोटिवेशन फील होता था भैया बहुत ज्यादा, फिर भी मैं खुद को संभालती थी, नहीं बम्मा माता रानी देख रही है, सब संभालेंगे, मुझे उन पे भरोसा है, करेंगी कुछ ना कुछ। तो भैया एक दिन क्या हुआ, मैंने एग्जाम दिए, गवर्नमेंट की तैयारी की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी की मैंने, ठीक है, उसका फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया मैंने, मतलब वेट एग्जाम दिया था मैंने, उसका रिजल्ट का वेट कर रही थी। उसी टाइम भैया, उसी टाइम आपका, मैंने बताया जैसे कि इंस्टाग्राम पे आपका चैनल पॉपअप हुआ, सिग्नल आया, तो मेरे भाई ने भी कहा था कि तू हनुमान जी की शरण में जाओ, तब तो मैंने इग्नोर कर दिया कि मैं माता रानी को मानती हूँ, क्यों मैं किसी को मानूं, और किसी को क्यों मानूं मैं। उस टाइम भैया मेरी मेंटेलिटी ये चल रही थी कि मैं और किसी को क्यों करूं, कि जब एक कोई एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो इतना सबके हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होगा। तो मेरे भाई ने भी कहा, उस वक्त मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। उसी के 3 दिन बाद भैया क्या हुआ, आपका चैनल पॉपअप हुआ, पॉपअप हुआ, पहले तो मैंने ऐसे इग्नोर किया, फिर से पॉपअप हुआ, मैंने कहा चलो देखते हैं इसमें क्या ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है भक्त। तो मैंने एक्सपीरियंस उनका पढ़ा भैया, लिटरली मैं उसका एक्सपीरियंस सुन के मैं रो रही थी, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, मेरे हस्बैंड बोलते तुझे क्या हुआ है, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, बस जो मतलब जो मुझे सिग्नल दे रहे थे कि मेरे भाई के थ्रू कि मेरे शरण में आओ मैं करूंगा, तो उस वक्त मैं समझ ही नहीं पाई भैया। और मेरे भाई के साथ भी ऐसा हुआ भैया, सब कुछ हनुमान जयंती वाले दिन हुआ, मंगलवार वाले दिन ही उसकी ज्वाइनिंग हुई, उसमें मतलब वो नास्तिक था भैया, वो कुछ नहीं मानता था, बस उसने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मेरा बेड़ा पार लगा। और भैया उसके ऊपर भी बाबा जी की इतनी कृपा रही, बहुत कृपा रही कि सब कुछ ही उन्हीं के दिन हुआ। तो मैंने भी कहा कि चलो, उसको फिर मोटिवेशन मिली, तो उसने कहा नहीं तू कर, तुझे बाबा जी ने सिग्नल दिया है कर। तो आपके चैनल से मैंने संकल्प लेना शुरू किया, मैंने पहले लिया था 21 दिन का 7 बार हनुमान चालीसा का संकल्प दिया, और सुबह 4 बजे उठ के मैं हनुमान चालीसा 7 बार कर लेती थी, फिर बच्चे को स्कूल छोड़ना, उसका खाना बनाना, उसमें सब कुछ फ्री होके बैठती थी मैं। तो भैया आप यकीन नहीं मानोगे, चौथा दिन था इसी का संकल्प का, मेरा रिजल्ट आ गया, और भैया मैं डर रही थी कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। और उस वक्त मैं बैठ के राम 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 नाम कर रही थी, राम 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 राम, रात के 9:30 बजे जैसे मेरा राम नाम खत्म हुआ, मेरा रिजल्ट आया और मेरा लिस्ट में नाम आ गया। और मैं भैया आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बच्चे की तरह इतना उछली की ना, मुझे विश्वास था कि मेरा संकल्प पूर्ण होएगा, और देखो 4 दिन में मेरा रिजल्ट आया है। तो मेरे घर वाले भी खुश हो गए, मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए कि हाँ चलो तुझे विश्वास था वो हो गया भैया। ये सब हो गया, मेरा इंटरव्यू की बारी आई, इंटरव्यू आया भैया मेरा कोलकाता, इंटरव्यू कोलकाता आया भैया, मैंने जैसे तैसे, फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी, पैसे मम्मी पापा ने दिए, घर वालों ने दिए, सारे जोर जाके हम कोलकाता पहुंच गए कि ये लास्ट स्टेज है, ये बाबा जी ने पार लगाती तो हमारी नैया पार हो जाएगी, ठीक है भैया हम पहुंच गए। भैया आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जैसे ही घर से बाहर पैर रखा, मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंची दूसरी ट्रेन को लेने के लिए, मेरे अंदर से ना कुछ फील होने लगा अजीब सा ही, मतलब मेरा ऐसा हो रहा था कि बस मैं रोऊं, घबराहट हो रही है मैं बस रोती जाऊं। तो मेरी सबसे ऊपर बर्थ थी, तो मैं भैया इतनी घबरा रही थी ना, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा था कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लो, चलो ट्रेन में बैठी हुई ट्राई कर लो, नहीं घबराहट हो जा रही। मैंने मम्मी को फोन किया, मम्मी मुझे ऐसा हो रहा है, मम्मी कह रही तू ऐसा कुछ ना कर, जयेश भैया है ना उनकी चैनल्स देख, उससे मोटिवेशन मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वो भी ट्राई किया, पर भैया वो होता है ना अशांत मन होता है तो कहीं नहीं लगता, वो कहीं भी नहीं लगता, तो मेरा नहीं लगा, मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया, और मेरा उस वक्त सोमवार का भी फास्ट था, तो और मुझे कुछ मीठे के अलावा मैं कुछ खा नहीं सकती थी उस दिन भी, तो वो दिन भी मेरा ऐसे ही चला गया। वहां पहुंचे ठीक रहा, सब कुछ पहुंच गए, घबराहट तो हो ही रही थी। जिस दिन भैया इंटरव्यू का टाइम आया, मैं तैयार प्योर होके इंटरव्यू देने पहुंची, बैठी ही जैसी मैं, उन्होंने बोला यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस इंटरव्यू।
उन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं देने दिया। इतनी दूर पहुंच के भैया मुझे इंटरव्यू देने नहीं दिया। और भैया मैं वहां बैठी हुई हूँ, जैसे वो मेरे पेपर लेके जा रहे हैं कि एक बार डिस्कस कर लेते हैं अफसर से, मैं बैठ रही हूँ, सिर्फ लिटरली बोल रही हूँ बाबा जी मेरा कुछ कर दीजिए प्लीज प्लीज, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती हूँ। और मैं हनुमान चालीसा वहां बैठी हुई रिपीट करे जा रही हूँ, रिसाइट करे जा रही हूँ बट खाली हाथ कुछ नहीं आया। तो मैं बाहर आ गई, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं अपना बाहर उठाई, मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे अफसर से बात करनी है या प्रिंसिपल से बात करनी है, मैंने कुछ नहीं कहा भैया। मैं सीधा अपना बाहर उठाई, बाहर आई और मेरे हस्बैंड बाहर खड़े थे, गर्मी में कोई अरेंजमेंट नहीं था भैया सिटिंग का, वो गर्मी में खड़े हैं। वो भैया बोलते हैं ना कोई इंटरव्यू देके आते हैं तो हमें आस होती है कि कैसा रहा मुझे बताओ क्या था, और उनका फेस देख के भैया मैं क्या बताऊं, मुझे खुद रोना आ रहा था, तो मैं क्या एक्सप्रेस करूं कि मुझे इंटरव्यू भी नहीं देने दिया गया। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं पर मैं नम हो गई थी, मैं क्या जवाब दूं। तो आगे जाके भैया मोड़ था वहां, वहां मैं बैठ गई, वहां बैठ के मैं बहुत रोई। तो ये पूछे क्या हुआ, मैंने कहा इंटरव्यू नहीं देने दिया गया। तो ये मुझसे पूछे तूने किसी से बात की, मैंने कहा मैंने किसी से बात नहीं की। तो मैं वहां बैठ के रो रही हूँ और मैं भैया उस चौराहे पे बैठ के मैं ये बोल रही हूँ बाबा जी प्लीज आ जाओ कैसे भी करके, कुछ करो। पर कुछ नहीं हुआ। हम होटल वाले रूम में गए, वहां जाके मेरे हस्बैंड और मैं इतना रोए, बहुत रोए, वहां बैठे हुए मेरे मदर इन लॉ और मेरे पेरेंट्स इतना डर गए कि कहीं ये बच्चे दोनों इतना डिप्रेस होके कुछ गलत स्टेप ना उठा ले, ये दोनों कि अकेला शहर है, अनजान शहर में ये दोनों बैठे हुए हैं, गए हैं। तो भैया बहुत रोई। और मेरे हस्बैंड का सिर्फ ये वर्ड्स थे, कर लिया तेरे बाबा जी ने, तेरा सब कुछ कर दिया तेरे बाबा जी ने। भैया तब भी मुझे मतलब इतना, वो बोलते हैं ना कि इतना होने के बाद भी हम कोसते हैं भगवान को, तूने नहीं किया, तू है ही नहीं। मैंने तब भी ये नहीं कहा, मैंने कहा कुछ नहीं होता, बाबा जी है, कुछ ना कुछ या मेरे से गलती रही है या ये मेरे नसीब में था ही नहीं। मैंने उन्हें सांत्वना दी, भैया मैं उस वक्त भी मैं नहीं टूटी, मैंने अपने हस्बैंड को संभाला कि आप संभल जाओ, अगर दोनों ही टूट जाएंगे तो वो सिचुएशन कौन संभालेगा। तो ये सब हुआ भैया, ठीक है मैंने संभाल लिया, मैंने उनको वो कर लिया मजबूत, ठीक है नहीं था मेरी किस्मत में, जो होना था वो बाबा जी के हाथ में, वो देख रहे हैं क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है भैया। फिर जैसे तैसे हम, मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, वहां भैया काली घाट नाम सुना होगा, सिद्ध पीठ है काली माता का, काली घाट वहां गए। मैं माता रानी को तो बचपन से ही मानती थी, तो मैं वहां गई भैया, वहां जाके मैंने सिर्फ ये वर्ड निकले, माता रानी आपके द्वार से मैं हमेशा खाली गई हूँ, आज भी खाली जा रही हूँ, ये आपको देखना है, आपने मेरी झोली कैसे बन रही है, पर मैं मुझे इतना पता है मैं आपके द्वार से खाली जा रही हूँ। तो हम चले गए वापस आ गए घर। भैया मन इतना बेचैन हो रहा था ना बहुत ज्यादा कि अशांत था, कुछ कह नहीं सकते कि मैं ना अपने हस्बैंड को के सामने रो सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना मैं अपने मम्मी पापा को कह सकती हूँ, क्योंकि सारी चीजों को मुझे संभालना था, सबको मुझे संभालना था कि कुछ नहीं होता, बाबा जी हैं, सब ठीक करेंगे। तो भैया हिसार में ही ना 45 किलोमीटर दूर ही काजला धाम, बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है और पूरे गोल्डन रूप में वो वहां पे स्थित है बहुत। हाँ तो मेरा मन था बहुत ही अशांत था, तो मैंने कहा शनिवार का दिन था भैया, तो मैंने बोला कि आज शनिवार है चलो वहां चलते हैं, ठीक है भैया चले गए। हम एक्टिवा पे गए भैया वहां, आते आते हमने वहां पे 7:30 बजे वहां आरती स्टार्ट होती है, वो आरती अटेंड की मैंने, वहां पे नारियल बांधा मन्नत का, और भैया वहां लिटरली खड़ी होके ना मतलब इतनी भीड़ में मैं अंदर से रो रही थी कि बाबा जी आपने मेरी नहीं सुनी, आपने मेरी चीज का भी मान नहीं रखा। मैं मतलब किसी को तो बोल नहीं सकती, सिर्फ बाबा जी को बोल सकती हूँ, मैं उनके सामने रो रही थी। और सारी पूजा खत्म हुई, मैंने कहा आपने देखना है क्या देखना है, कैसे करना है क्या करना है, आपने करना है जो करना है, क्योंकि मैं हार चुकी हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं लिटरली भैया टूट गई थी, पूरा टूट गई थी, पर मैं किसी को जाहिर भी नहीं कर सकती थी कि क्या है। फिर नेक्स्ट डे मैं, मेरे मम्मी पापा बोलते तू घर आ जा थोड़ा माइंड फ्रेश होएगा, तू घर आ जा, मैं घर आ गई। घर आके भी मम्मी पापा भी ये बोलते तू लोअर जॉब की ट्राई कर ले, क्लर्क वगैरह की ट्राई कर ले। भैया वो कैसे ट्राई कर लूं, मैंने इतनी हायर एजुकेशन कर लिया, आप कैसे लोअर के लिए ट्राई कर सकते हो, एक पॉइंट भी सोचे। तो मैंने कहा ठीक है, टाइम में भैया आके घर आके बहुत रोई, मम्मी के सामने बहुत रोई। तो मम्मी कह रहे कुछ नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ अच्छा लिखा है, हमें नहीं दिख रहा इस टाइम पे, बट कुछ ना कुछ अच्छा लिखा है तेरे। मैंने कहा ठीक है,
भैया ये सब हुआ, फिर मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, मैंने बाबा जी को कहा था अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो मैं 100 बार हनुमान चालीसा करूंगी। चलो वो तो हुआ नहीं, बाबा जी ने नहीं सुनी, पर मैंने जो कहा था वो मैं पूरा करूंगी। भैया मैंने ही नेक्स्ट मंगलवार जो आया उसके आने पे ही मैंने 100 बार हनुमान चालीसा की मंदिर में बैठ के कंटिन्यू, बिना उठे बिना खाए पिए कि बैठ गई मैं 6, और भैया 10:30 बजे तक वो खत्म हो गई हनुमान चालीसा 108 पाठ मेरे खत्म हुए भैया। और वो समाप्त हुए उस वक्त थोड़ा सा रिलीफ मिला भैया, जैसे कुछ मन हल्का हो जाता है ना। वो लिख के मैंने पर्ची पे लिख दिया कि मेरी क्या अर्जी है और आपने देखना है, मैंने बाबा जी के चरणों में रख दिया कि मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर से टूट चुकी हूँ और आपके सिवा मेरा संभालने वाला कोई नहीं है, तो मैंने रख दिया भैया। ठीक है, 3 दिन निकल गए भैया, 3 दिन बाद मुझे सपना आया कि मैं बहुत बड़े मंदिर में हूँ, बहुत बड़े मंदिर में हूँ, पूरा संगमरमर का व्हाइट मंदिर बना हुआ और केसरी रंग के चोला चढ़े हुए हनुमान जी होते हैं ना, वो दिख रहे हैं सामने और उनकी आंखें हिल रही हैं, सिर्फ उनकी आंखें हिल रही है, जैसे हम देखते हैं ना इधर उधर, वो मुझे देख रहे हैं और मेरे हस्बैंड साथ में बैठे हुए हैं और लोग आ रहे हैं, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, बट वो आंखें हिलती हुई मुझे दिख रही है, सिर्फ मुझे दिख रही है। तो मैं जैसे मैंने उनको ये किया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, मेरी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। तो मैंने उठते ही मैंने कहा बाबा जी आपने जो दर्शन दिए हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ पे हैं, आपने कौन से किस मंदिर के मुझे दर्शन दिए, मुझे कुछ नहीं पता भैया। मैं उस टाइम पे मैंने नेट पे सर्च मारने लगी कि इस स्वरूप में कहीं मिल जाए, बट कुछ नहीं हुआ। तो फिर नेक्स्ट शनिवार था, मेरे पापा बोलते हैं यहाँ पंचमुखी मंदिर है यमुनानगर में, आपके एक भक्त ने यहाँ का जिक्र भी किया था यमुनानगर का पंचमुखी मंदिर का, तो वहां पापा बोले वहां चलते हैं। मैं गई पापा जी के साथ, बचपन में गए थे भैया तब, अब तो याद भी नहीं था कि कैसा था वो मंदिर। तो हम गए, जैसे ही भैया मैंने एंटर किया ना, जो हनुमान जी मुझे सपने में दिखे थे वही साक्षात वहां थे, वो ही साक्षात। जैसे ही मैंने उनकी आंखें देखी ना, मैंने कहा मम्मी ये ही मुझे सपने में दिखे थे, इन्होंने ही मुझे बुलाया था। और भैया मैंने क्या किया, जो अर्जी लगाई थी मैंने हनुमान जी के चरणों में रखी थी, वही उसी अर्जी पे धागा बांध के मैंने उनके वहां टांग के आ गई कि अब मैंने अपनी अर्जी आपके चरणों में रख दी है और आपने देखना। उस टाइम भैया मैं इतना खुश हुई थी कि कुछ संकेत है, कि कुछ है, कुछ वो मुझे बताना चाह रहे हैं तो दे रहे हैं। और उस दिन भैया ऐसा हुआ था, उनका जो चोला उतरा हुआ होता है ना, चोला मतलब सिंदूर जो उतरता है, कुछ लोग घर भी लेके जाते हैं, वो पंडित जी ने हमें खुद दिया था, हमने मांगा उन्होंने उतरा हुआ दिया, नहीं तो वो कटोरी में जो मिक्स करके रखते हैं हमको देते हैं, उनका उतरा हुआ हमें मिला। तो वो लेके गई मैं घर पे, आए भैया मैंने इनको हाथ जोड़े कि हाँ आपने किया, आपने किया। उसी के भैया बिलीव नहीं कर गए, 3 दिन बाद जिस एग्जाम के लिए मैंने भरा था फॉर्म उसका वो आया कि रिटर्न टेस्ट है, इंटरव्यू भी हो गए, सारी डेट लिस्ट आ गई कि 2 महीने के अंदर सब कुछ फिनिश हो जाएगा। तो कुछ आस जगी, कुछ आस जगी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अब देख ले, बाबा जी ने तुझे मौका दिया है, इसमें तुझे करना है। ठीक है, मैंने तैयारी शुरू कर दी भैया। और मैंने भैया अब ये नहीं सोचे थे कि मुझे करना है, मैंने कहा भैया बाबा जी आपने देखना है, मैं तो अपनी तैयारी करके जाऊंगी, बाकी आपने देखना है, आप पे छोड़ दे, मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ कुछ कि होएगा नहीं होएगा, कुछ नहीं, आप पे छोड़ रखा है। बाबा जी ने कहा ठीक है, वो छोड़ दिया मैंने बाबा जी पे। मेरा पहला एग्जाम रिटर्न क्लियर वो आते ही, मैंने कहा बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं नहीं तू तो हमेशा ही ऐसे कहती है, हाँ अब देखते हैं बाबा जी क्या करेंगे। ठीक है, ये पहला एग्जाम भी क्लियर। उसके बाद मेंस था, मैंने कहा मेंस की तैयारी करी, बट भैया ऐसा होता है जब भी एग्जाम देने गई हूँ ना मैं, उससे पहले मैं काजला धाम जरूर जाती थी कि चाहे मुझे रात में जाना पड़े बट मैं हनुमान जी को अपने साथ लेके जाऊंगा। मैं वहां जाके ये बोलती थी भैया कि आपने मेरे साथ चलना है एग्जाम में और आपने ही मेरी नैया पार करवानी है, मुझे नहीं कुछ आता कैसा एग्जाम करूंगी क्या है, आपको देखना है। मैं हमेशा जब भी गई हूँ, चाहे इंटरव्यू के लिए गई हूँ भैया, चाहे मेंस के लिए गई हूँ, उनको साथ लेके गई हूँ और उन्होंने लिटरली वो मेरे साथ गए हैं। जैसे मैं कार में बैठी रहती थी भैया एग्जाम देना जाती थी, तो मैं वो पूछती थी कि बाबा जी आप होंगे मेरे साथ, हो ना मुझे दर्शन दोगे, तभी भैया बिलीव नहीं करोगे इतनी बड़ी मूर्तियां सामने आ जाती थी हनुमान जी की। क्या बात है, कुछ ना कुछ ऐसा इशारा होता था कि वो बोलते थे कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन ना ले। और जिस दिन भैया मेन एग्जाम था देने गई थी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं सोच रही थी कि
कि उस वक्त वो भी चल रहे थे, सावन के व्रत चल रहे थे भैया मेरे, 2 महीने के पूरे व्रत रखे हुए थे मैंने. मैंने कहा बाबा जी आज मैंने आप पे जल नहीं चढ़ाया, माफ करना. बाबा जी ने क्या, शिव शंभू ने ऐसी कृपा की भैया कि जो एग्जाम सेंटर मेरे सामने ही मंदिर है, बट पहले मैंने एग्जाम दिया, फिर उसके जाने के बाद मैंने शिव शंभू पे जल चढ़ाया. और आप सर भैया बिलीव नहीं करोगे, मैं एंटर किया इतना बड़े पोस्टर हनुमान जी का, और वो भी सलासर धाम. और मैं ये बोल रही कि बाबा जी तो मेरे साथ थे, मैंने उनको बोल के आई थी आपने मेरे साथ चलना है, वो मेरे साथ हमेशा रहे. और भैया आप, मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ. एग्जाम दे रही थी मैं, क्या मेरा रोज का है कि मैं हनुमान चालीसा बजरंग बाण करती थी रोज सुबह. तो जैसे हम सुबह निकलते थे 3-2.5 बजे उठते थे, तो हो नहीं पाता था कि निकलना होता, बस पकड़नी होती थी. तो मैंने कहा आज तो मैंने मेन एग्जाम में मैंने बजरंग बाण भी नहीं किया और हनुमान चालीसा भी नहीं की. तो भैया मैं जैसे एग्जाम देने बैठी हूँ, उससे पहले जैसे टाइम होता है ना, मिलता है कि पेपर बांटेंगे, टाइम है, मैंने कहा टाइम में मैं हनुमान चालीसा बजरंग बाण पढ़ लेती हूँ. भैया जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा शुरू किया, बिलीव नहीं करोगे, इस साइड से विंडो थी, बहुत बड़ा हॉल था, विंडो थी, ऑरेंज शेड, इतनी बड़ी ऑरेंज शेड वहां प्रकट होगी, जैसे सूरज का होगा तो येलो येलोइश दिखेगा ना भैया, में येलोइश दिखेगा, बट वो ऑरेंज, लिटरली ऑरेंज. और जब तक मेरा बजरंग बाण खत्म नहीं हुआ तब तक वो शेड थी, जैसे मेरा बजरंग बाण खत्म वो गायब, वो ऑरेंज शेड जो रोशनी थी वो गायब भैया. तो मैंने एग्जाम दिया, सब कुछ दिया, और मैंने किसी को नहीं बताया कि बाबा जी ने मुझे दर्शन दिए. ठीक है, मैंने कुछ नहीं बताया भैया. रिजल्ट आया, मेरे इंटरव्यू में भी नाम आ गया, मेरे इंटरव्यू में भी नाम आ गया. फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि बाबा जी तो वहीं थे मेरे साथ, मैंने जो बोला था बाबा जी वहीं थे मेरे साथ. इंटरव्यू देने गए भैया, इंटरव्यू भी वो हुआ, अच्छा हो गया. फिर क्या हुआ भैया, जैसे फाइनल लिस्ट आती है ना, अगले ही दिन उन्होंने निकाल दी. बट ये बोल रहे कि तेरा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा. मैंने कहा मुझे बाबा जी पे भरोसा है, इतना साथ दिया है, आप तो नहीं साथ छोड़ेंगे मेरा, मुझे इतना भरोसा है बाबा जी. भैया आप लिटरली मानोगे नहीं, जैसे ही रिजल्ट आया, मैंने अपना नाम देखा, अपना रोल नंबर देखा, मैं इतना रोई भैया, इतना रोई. मेरे घर में ना हनुमान जी की मैं इतनी सी मूर्ति ला रखी हूँ, जैसे बच्चा नहीं रोता कि उस मूर्ति को पकड़ के सिसक सिसक के, भैया 4 घंटे तक मैं सिसक सिसक के रोई हूँ, बहुत ज्यादा. मेरी सांसें चढ़ गई थी. मेरी मदर इन लॉ आई, उन्होंने मुझे चुप कराया, मैंने कहा नहीं. और मेरे मुंह पे सिर्फ ये वर्ड था, चलो काजला धाम, मुझे रोट चढ़ाना है मेरे बाबा जी को, रोट चढ़ाना है मुझे, मेरे काजला धाम लेके चलो. और भैया जैसे तैसे करने मैंने अपने हाथों से रोट बनाए, उनके लिए लेके गई उनके पास, क्योंकि जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगी मुझे शांति नहीं मिलेगी, कि बाबा जी ने मेरा इतना बड़ा काम, इतना बोझ जो सर पे था वो मेरा उतार दिया. और भैया आज जो इस पोस्ट के लिए मैं इंटरव्यू नहीं दे पाई थी, मैं बाबा जी कितनी कृपा मानूंगी कि बाबा जी ने ये बोला कि ये तेरे थी नहीं, वो तेरे लायक नहीं थी. और आज जिस पोस्ट में भैया हूँ, मैं ये बोलती हूँ, इसके लिए मैंने इमेजिनेशन भी नहीं की थी कि मैं इस पोस्ट पे होऊंगी कभी. मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं तो इस पोस्ट के लिए नहीं बनी, तो कुछ और ट्राई कर. और जो ट्राई वो बोलते थे उस पोस्ट पे उन्होंने, बाबा जी ने मेरा करवाया. ये बहुत बड़ी कृपा आप पर हुई है. कुछ चीजें मैं यहाँ पे अपने विचार रखना चाहूंगा, आप भी ध्यान से सुनिएगा, और जो भी दर्शक आज इस सेशन को देख रहे हैं प्लीज सुनिएगा. बहन पहली बात तो आपका ये वाला जो अनुभव है बहुत ही इंस्पायरिंग है, कई युवाओं को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा इस अनुभव से कि कैसे प्रभु एक भक्त की सहायता करते हैं, कैसे संकट समय में प्रभु भक्त की सहायता करते हैं. देखो हार्ड टाइम आता है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं जीवन में, जब संकट आता है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे पिछले प्रारब्ध या कर्मों से जुड़ा कोई परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है. मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने पता है क्या की, हो रहा था अप डाउन हो रहा था विश्वास में, मगर आपने प्रभु का साथ ना छोड़ा, आपने भोलेनाथ की भक्ति करते गए, माता रानी को पूछते गए, हनुमान जी को पूछते गए, कहीं ना कहीं से आपको वो प्रेरणा मिल रही थी, एक कहते ना अदृश्य शक्ति आपके साथ थी जो आपको एक विश्वास जगा रही थी कि चिंता मत कर मैं तेरे साथ. और सबसे बड़ी बात आप ये, आप कई लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी काम में हम अगर ईश्वर को प्रमुख रखते हैं, आप जिस किसी भी देवी देवता को भजो, आप श्री कृष्ण को भजो, श्री राम को भजो, हनुमान जी को या महादेव या देवी मानो, आप जिस भी कार्य में प्रभु को प्रमुख रख कर वो कार्य आरंभ करते हैं ना,
तो देखना प्रभु आपकी सहायता जरूर करेंगे उस काम में आपको सफलता दिलाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी की शादी होती है तो सबसे पहला शादी का कार्ड हम किसे देते हैं, आमंत्रित किसे करते हैं, प्रभु को, मंदिर जाकर, हमारी जो कुल देवी है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु को, जैसे आपने शुरुआत में क्या कहा, मैंने प्रभु से कहा आप मेरे साथ चलो, तो हर काम शुभ होगा, हर काम शुभ होगा। क्यों सिर्फ शादी ब्याह के उसमें हम प्रभु को आमंत्रित करते कि आप आइए शादी में आइए, ताकि ये शाम, ताकि ये बिना कोई विघ्न के हमारा काम सफलतापूर्वक हो जाए। तो हर काम में ना, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं या नॉर्मली नित्य हम जो क्रम कर रहे हैं, हम डेली ऑफिस जा रहे हैं या हम दुकान पे जा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो प्रभु को साथ लेकर चले, देखना आपका दिन बहुत शुभ जाएगा। होता है कई बार, देखो आप कोलकाता गए, वहां पे ऐसी स्थिति हो गई थी एग्जैक्ट कि क्या करें, हम क्या करें, आपके चेहरे पे आपके भाव दिख रहे थे बहन, मगर प्रभु ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी आपके लिए जो आपकी कल्पना से भी परे थी। सिचुएशन बहुत हार्ड थी, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जॉब, कोरोना, प्लस आपके हस्बैंड की जॉब, मतलब हर चीज मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अनुभव आए कोरोना के बाद जिसमें ये चैलेंजेस आई थी भक्तों को, फाइनेंशियली हो या जॉब या बिजनेस रिलेटेड। आपने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया था कि प्रभु जो करना है आपको करना है, माता रानी जो करना है आपको करना है, मगर हमारा मनुष्य का जो सोच का दायरा सीमित होता है, मगर उनको तो सब पता है ना, उनको तो सब पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, और भक्त को देंगे तो बेस्ट देंगे, हमारी कल्पना से भी अच्छा देंगे। तो और आपको आपकी कल्पना से भी ज्यादा दिया उन्होंने, वो भाव दिख रहे हैं, वो चार घंटे जो आप रोए ना, वो शुक्रिया कर रहे थे, उनको थैंक यू बोल रहे थे कि आपके पास वर्ड्स नहीं है। कई बार वो खुशी के आंसू आना भी जरूरी है अपने भाव प्रकट करने के लिए। बहन आप उनके नहीं, हम और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज आप बताइए, बहुत उत्सुक हैं। आज इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आपकी वाणी के माध्यम से, आपके श्रीमुख से प्रभु की महिमा को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज कंटिन्यू करें। भैया मैं एक चीज ये बताना चाहूंगी, जैसे हम बोलते हैं कुछ भी हम पूजा करते हैं, बहुत सी भक्तों के मन में ये रहता है कि हम डेट वगैरह आ जाती है। भैया मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी माता रानी के साथ। मैं पूजा नवरात्रों की बात है, मैं बहुत पूजा करती हूँ माता रानी की, पूरे नवरात्र रखती हूँ। तो बैठी थी, स्टार्टिंग से ही दो दिन बाद मुझे डेट आना शुरू हो गया, और भैया मेरे घर में अखंड जोत चलती है, पूरे 9 दिन अखंड जोत चलेगी माता रानी की। तो उस टाइम पे ये था भैया कि घर में कोई करने वाला नहीं था, मेरे हस्बैंड रात में कौन उठे, कौन देखे उस जोत को, घी डालना ये वगैरह, तो मैं क्या करूं। मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी कह रही है तू ऐसा कर, सुबह शाम नहा धो फिर घी डाल पूजा कर। मैंने ऐसा किया। भैया आप बिलीव नहीं करोगे, बोलते हैं ना बहुत मेंटेलिटी धारणा होती है कि नहीं अशुद्ध हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भैया मैं तो बोलूंगी ऐसा कुछ नहीं होता, आप बिलीव नहीं करोगे। भैया मैंने दिए के नीचे इतना बड़ा प्लास्टिक वाला दिया वो रखा था, कटोरी रखी थी, उसके अंदर वो दिया था। भैया उस 9 दिन के दौरान इतना तेज था, भैया आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट दिन वो दिया गायब हो गया। गायब हो गया था भैया, वो गायब। और मैं सोच रही है, मैंने अगले दिन उठी, कंजके पूजनी थी, मैं देख रही हूँ इसके नीचे का दिया कहाँ गया। भैया दिया नहीं था भैया वो। और मेरे साथ इंसिडेंट ऐसे हुए कि माता रानी के तो भैया मैं बखान ही नहीं कर सकती, कुछ भी मेरे पास चाहे नेगेटिव एनर्जी हो या सब कुछ हो, माता रानी मेरे सपनों में आके कहती है कि मैं हूँ, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं हूँ तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। खुद उनके वचन थे भैया, खुद उनके। और मेरे बेटा जब छोटा था, 1.5 साल का था, खुद माता रानी उस घर में कुछ, वो हम रेंट पे रहते थे, उस घर में कुछ था, बाला सुंदरी को वो पूजते थे, मुझे इतना विश्वास था कि वहां थी वो माता रानी, क्योंकि मुझे नवरात्रों से पहले ही भैया दर्शन हो जाते थे माता रानी के, चाहे उनकी सवारी के होते थे, वो हमारे घर में घूम रही है, मुझे आभास हो जाता था। और एक दिन क्या हुआ भैया, जैसे हम सो रहे थे, मेरा बेटा यहाँ सो रहा है, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन गए थे, तो मैं सो रही थी, इस साइड सुला रखा था मैंने अपने बेटे को, वो भैया पता नहीं कैसे सुबह मुझे इस साइड मिला, और जैसे मेरे ऊपर से उठ के जाएगा तो मुझे तो आभास होगा, मुझे कुछ लिटरली आभास नहीं। और उस समय मेरे मन में, जब मैं उठ उस टाइम पे, सुबह की बात है, मेरे माइंड में स्वप्न चल रहा था माता रानी का, कि मुझे सारी माता रानी दिखी, 9 के 9 रूप, और मैं कहीं जा रही हूँ, भटक गई हूँ रास्ता, उन तीनों माताओं ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि हम लेके जाएंगे तुझे, कहाँ जाना है। और अगले दिन उठ के देखती हूँ कि मेरा बेटा नहीं, पहले मैं इधर देख रही हूँ, भैया मैं घबरा गई कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, देखा तो यहाँ सो रहा है। और मैं इतना डर गई थी भैया उस टाइम में कि ये नहीं हो रहा था कि कुछ और चीज है, मुझे ऐसा लगा था कुछ और है, ये नहीं पता लग रहा था कि माता रानी खुद खेल के गई है मेरे बेटे के साथ।
बहुत अद्भुत, आप पर तो बालाजी महाराज की कृपा तो है ही, साथ साथ माता रानी की भी विशेष कृपा है। भैया मैं तो बोल रही हूँ भैया, तीनों की, शिव शंभू की भी है, आप बिलीव नहीं करते। मैंने बोला था कि 2 महीने सावन के व्रत रखूंगी, मुझे नहीं पता था कि इस साल 2 महीने का हो जाएगा। जैसे ही पहला दिन था ना भैया, शिव शंभू ने और माता रानी ने मुझे दर्शन दे दिए थे पहले कि तेरा आज दिन शुरू है, तू कर। इतनी कृपा इन तीनों की रही है मेरे पे, मुझे इतना विश्वास है। अद्भुत। और भैया एक और इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी बालाजी के साथ का। जैसे मेरी बहन राजकोट रहती थी, तो इनके था कुछ नेगेटिव, मेरा जो बहन का लड़का है वो छोटा है, तो कुछ नेगेटिविटी इनके मेरे बेटे, इसके बेटे, मेरी बहन के बेटे के ऊपर आ गई थी। तो ये राजकोट रहते थे, तो उस टाइम मैंने आपके यहाँ कष्टभंजन हनुमान जी का सुना था, काफी सुना था। तो मैंने उसे ये सलाह दी कि तू ऐसा कर, कष्टभंजन जी के, हनुमान जी के मंदिर चली जा। तो इसके वर्डिंग थे, पता नहीं मेरे हस्बैंड मानेंगे कि नहीं, मानेंगे कि नहीं भैया, ठीक है। मैंने कहा एक बार ट्राई कर ले, क्या पता तू बाबा जी को बोल दे कि बाबा जी मेरे घर में ऐसी ऐसी विपदा है और मुझे आप अपनी शरण पर बुला लीजिए। ठीक है, इसने बोला भैया आप विश्वास नहीं करोगे, नेक्स्ट वीक के सैटरडे को ये कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर में थी और ये मुझे वीडियो कॉल करके कि मैं यहाँ पहुंच गई। क्या बात, अद्भुत अद्भुत लीला। और भैया इन इसके मेरी सिस्टर के बेटे को दिखे थे हनुमान जी, जैसे वो सो रहा है बैठे, और 4 बजे उठा और वो कह रहा उसके कि मम्मी दरवाजा खोलो, ऑरेंज रंग के अंकल आए, ऑरेंज रंग के अंकल आए, आप दरवाजा खोलिए। छोटा सा है भैया, चेयर लगा के वो दरवाजा खोलने चढ़ा। ये मेरी सिस्टर उसके पीछे गई कि क्या कि नहीं, ऑरेंज अंकल रंग के अंकल बाहर खड़े हैं, आप दरवाजा खोलो, वो बोल रहे हैं कि मैंने आना है। अद्भुत, गूजबम्स आ रहे हैं आप जब बोल रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्या वाइब्स आ रही है। प्रभु की लीला अपरंपार है, वे कहीं ना कहीं अपने भक्त को किसी ना किसी के माध्यम से, किसी भी रूप में वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते ही हैं। वो एक सिक्योरनेस फील होती है हमें कि नहीं, प्रभु है ना हमारे साथ, हमें कोई टेंशन नहीं। बहुत अद्भुत लीलाएं आपने शेयर की और बहुत, आज का सेशन, आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जो भी भक्त इस सेशन को देख रहे हैं, प्लीज कमेंट में अपने विचार बताइएगा कि इन भक्त के अनुभव आप को कैसे लगे आज, क्योंकि मैं खुद आपको सुनना चाहता था और आपने वन बाय वन ऐसी लीलाएं, प्रभु से जुड़ी, माता रानी से जुड़ी, भोलेनाथ से जुड़ी, ऐसी ऐसी लीलाएं आपने शेयर की, बहुत अच्छा लगा बहन। एक सवाल और, जी जी बोलिए। एक चीज और शेयर करने चाहूंगी, जैसे ये बागेश्वर धाम का बहुत चल रहा है आज का, तो जैसे मेरी सिस्टर यहाँ पे आ गई, तो उसका बेटा था, तो हमें तो पता ही था कि कुछ नेगेटिव एनर्जी के साथ है, अभी तक गई नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बागेश्वर धाम के नाम का नारियल बोलते हैं, जैसे कि लाल कपड़े में बांध के लौंग रख के आप बोल दीजिए। मैंने मम्मी को बता दिया, मम्मी ने रख के, उन्होंने बोला बागेश्वर धाम से अर्जी लगाई। भैया अगले ही दिन ट्यूसडे को उन्होंने अर्जी लगाई, 12 बजे तक बैठ के उन्होंने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, 12 बजे तक बैठ के रात के। अगले दिन भैया बंदर आ गए हमारे घर, बंदर लिटरली बोलते हैं कि अगर बागेश्वर धाम में अर्जी स्वीकार होती है तो बंदर आते हैं। अगले ही दिन भैया घर पे बहुत सारे बंदर आए, मम्मी कहती मुझे फोन मिला रही थी कि देख मेरी घर बंदर आए, और लिटरली बंदर आए भैया, एक बार नहीं 2 बार, एक शनिवार को और एक उसके अगले दिन। अद्भुत लीला। मैंने कहा आपकी मम्मी अर्जी स्वीकार हो गई, जो आपने जिस चीज के लिए मांगी है वो स्वीकार कर ली है बाबा जी ने। जिसमें आते हैं वे सपने के माध्यम से संकेत देते हैं या अपनी सेना को भेज देते हैं, वानर सेना को, कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। अद्भुत लीला। देखो सब कुछ एक एक विश्वास का खेल है, आपकी आपके भाव क्या है प्रभु के प्रति। जैसे आपने बताया कि माता रानी के जो नवरात्र के वक्त आप अकेले थे और उस समय आपको वो प्रॉब्लम हुई, मगर फिर आपको ये नहीं सोचना है कि आप स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी हम उनके अंश हैं और हमें बस उनकी भक्ति करनी है। हाँ, जब तक आपके पास सुख सुविधा है, आपके मेंबर्स हैं, आप नियम धर्म पालन करो, सब सही है, मगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आप क्या करेंगे। ऐसा ही केस बहुत पहले जब शुरुआत में हमने चमत्कार शुरू किए थे शेयर करने प्रभु के, तो एक महिला भक्त जो बेकसूर थे, जिन्हें बिना किसी रीजन के जेल में डाल दिया गया था और उन पर झूठा केस लगाया था, और उस सिचुएशन अभी लेडीज हैं जो मासिक धर्म की प्रॉब्लम आती है महिला भक्तों को, वो जेल में थे, वहां पे नहाने की सुविधा नहीं, कुछ नहीं, मगर फिर भी जेल में रहकर उन्होंने पाठ किया और प्रभु को याद किया और प्रभु ने उन्हें बाइज्जत बरी करा दिया, और जो जो जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी उनको सजा भी मिल गई।
सुनते हैं जो भी महिला भक्त सेशन को देख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा है। हाँ, जब तक आपके पास सुख सुविधा है, आपके मेंबर्स अलाउड है जो आपको हेल्प कर रहे हैं नियम धर्म पालन करने में, तब तक आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई रास्ता ही नहीं है तो टेंशन ना लें, आपका मन शुद्ध है, आप दिल से पवित्र हो, मन पवित्र है, बस वो हम उनके अंश हैं। हमने तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना, हमने तो सिर्फ एक पोशाक पहनी हुई है स्त्री और पुरुष की, बाकी तो हम सब भगवत अंश हैं, उनके ही अंश हैं, तो सब एक समान है। तो बस उस अंश के नाते आप पवित्र मन से उनकी भक्ति करो, उनकी भाव से भक्ति करो, वे माता रानी हो या फिर प्रभु हो हमारे, वे जरूर आपकी सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है और ये आई ओपनिंग वीडियो है कई महिला भक्तों के लिए। थैंक यू वेरी मच ये पॉइंट रखने के लिए। और एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, वैसे तो आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपको बाकी भक्तों के अनुभव से भी प्रेरणा मिली, जैसे आपने बताया संकल्प वगैरह, तो आप ये बताइए कि कितने टाइम से आप हमारा अनुभव जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, और आपको बाकी आपके माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर, प्लीज अपने विचार बताइए। सर भैया, मैंने मार्च से स्टार्ट किया था आपका वीडियो देखना, मार्च से इसी ईयर के, तो आपकी वीडियो से होता है कि अगर कोई डिमोटिवेट है ना, वो मोटिवेट हो सकता है बहुत ज्यादा, कि हमें वो चीज हारनी नहीं है, कि हम संतोष खो देते हैं या हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि नहीं मिला हमें ये चीज तो भगवान नहीं है, यहाँ पे नहीं है, नहीं, ट्रस्ट रखना पड़ता है किसी चीज पे, कि अगर आप कोई भी कंडीशन पे हो, क्या पता भगवान ने आपके लिए अच्छा सोच रखा है, तो हाँ आपकी वीडियो से भैया वो मोटिवेशन मिलती है हर किसी को, मुझे ही नहीं मिली, सबको, मेरी मम्मी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो तो वीडियो देखती है आपके चैनल की। थैंक यू वेरी मच, आप जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं, और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से जय श्री राम कहिएगा, और ये आप ही भक्तों के ही अनुभव शेयर कर रहे हैं, आप सब इनिशिएटिव ले रहे हैं तब जाके ये हो पा रहे, और ये सब कहते हैं ना, ये सब व्यवस्था प्रभु ही करा रहे हैं, उनकी मर्जी से हो रहा है, बाकी मैं बैठा हूँ गुजरात में, आप बैठे हो हिसार हरियाणा में, या कहीं कहते ना कहीं अलग 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 जगह से भक्त कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये भक्तों का परिवार है। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच आपके विचार जानकर। और एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे बालाजी महाराज का, आप चाहे माता रानी का, भोलेनाथ का, जिनका भी वन लाइन में बखान करना चाहे अपने शब्दों में, प्लीज करिए। आज मैं चाहता हूँ मैं रिकमेंड सामने से कर रहा हूँ, आप तीनों का करिए प्लीज। भैया मैं ये कहना चाहूंगी तीनों के लिए कि तीनों ही एक है, अलग कोई भी नहीं है, और सबकी कृपा, बस विश्वास होना चाहिए। और मैं हनुमान जी के लिए बोलूंगी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, बहुत उनके शरण में जाओगे आपके संकट कष्ट सब दूर हो जाएंगे, मुझे इतना विश्वास है। यस ये भैया, और ये 100% राइट चीज कही है आपने, एक एक शब्द आपने जो बताया प्रभु के प्रति अमूल्य है, धन्यवाद आपका, क्योंकि देखो सब विश्वास का खेल है, तो वैसे कहते हैं ना कि अगर विश्वास है तो मैं हर जगह हूँ, नहीं तो आपके घर के मंदिर में नहीं, बस ये विश्वास। भैया हमारे घर में कोई भी कनेक्ट नहीं था, बट ये बोल सकते हैं कि बाबा जी का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि सारे आ गए उसके अंदर, सारे उस लाइन पे आ गए, उनके कहते हैं ना पलक झपकाते ही सारा पत्ता पलट जाता है, खेल पलट जाता है, वे पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, तो उनके लिए ये चीज करना कौन सी बड़ी बात है। काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख ही बेचारो, कौन सो संकट मोर गरीब। तो ये उनकी लीला है जो हमारी समझ से परे है, सब कुछ उनके हाथ में छोड़ दो, बस मैं तुम्हारा आप मेरे, वह कहकर अपनी जीवन को आगे बढ़ाओ, अच्छे अच्छे कर्म करो, धीरज रखो, प्रभु सब अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा लगा बहन आपके प्यारे प्यारे अनुभव को जानकर, इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से सारे भक्तों तक आपके अनुभव को पहुंचाएंगे। और सेशन को एंड करने के पहले आपको बताइए, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर ही वीडियो को एंड करेंगे, तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से सेशन को देख रहे हैं, चल फिर रहे हैं ऑफिस में, किचन में, प्लीज जुड़िए, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए श्रीयावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय।